हेलो दोस्तों, वेलकम बैक मेरे चैनल एनसीईआरटी बुक सेल में स्वागत है आप सभी का। और आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने जो प्रवक्ता का स्क्रीनिंग टेस्ट लिया था कुछ महीने पहले, और उसका जो यहां पे समाजशास्त्र का इंटरव्यू डेट दे दिया गया है यहां पे, और इसके बारे में हम पूरी चर्चा करेंगे कि इसके लिए क्या क्या चाहिए आपको, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने हैं, और ये डॉक्यूमेंट अगर नहीं लगाएंगे तो आपका इंटरव्यू है वो कंडक्ट नहीं कराया जाएगा। और जो इसकी साक्षात्कार की जो पूरी प्रक्रिया है उसको हम जानेंगे कि कैसे यहाँ पे साक्षात्कार होता है। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि साक्षात्कार की जो इंटरव्यू का डेट है वो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 16 मई 2019 गुरुवार को रखा गया है इसकी इंटरव्यू का डेट। ठीक है ना, और ये जो हमारा निकला है ये सामान्य शाखा के लिए है, यहाँ पे प्रवक्ता समाजशास्त्र का है, जिसमें टोटल जो पद थे 7 पोस्ट थी, एससी के लिए एक था, ओबीसी के लिए एक था, और जनरल के लिए 5 सीटें थी। और इसका जो दिनांक 31 दिसंबर 2018 को स्क्रीन टेस्ट में सफल अभ्यर्थियों से साक्षात्कार हेतु, ठीक है, यहाँ पे क्रम वाइज यहाँ पे आपके यहाँ पे रैंडम वाइज दे रखा है, यहाँ पे जो जो इसमें पास हो रखा है आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये इसके लिए लिखा गया है। और यहाँ पे देखिए इंटरव्यू कब होगा, यहाँ पे लिखा गया है प्रथम सत्र में, जो कि यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे प्रथम सत्र है और द्वितीय सत्र है, और इसके लिए टाइमिंग लिखा गया है यहाँ पे प्रथम सत्र वाले के लिए यहाँ पे 9:30 बजे से लिखा गया है, और यहाँ पे 12:30 से द्वितीय सत्र लिखा गया है, इनका जो टाइमिंग डेट है। ठीक है ना, और यहाँ पे लिखा अर्हित अभ्यर्थियों को पृथक से डाक द्वारा साक्षात्कार ज्ञापन प्रक्षेपण नहीं किया जाएंगे। यहाँ पे कोई भी अलग से साक्षात्कार के लिए कोई अलग से डाक द्वारा नहीं भेजा जाएगा, ऐसा लिखा गया है। अगर लोग सोच रहे हों कि घर पे आ जाता है तो ऐसा कुछ भी नहीं होता इसमें। और जिन अभ्यर्थियों का साक्षात्कार, ठीक है, प्रोविजनल रूप में सम्मिलित नहीं किया जाएगा, यहाँ पे प्रोविजनल रूप में सम्मिलित नहीं किया जाएगा ऐसा लिखा है यहाँ पे। ठीक है, और इसके बारे में हम बात करते हैं सबसे पहले कैसे इसका वो होता है। देखिए, तो अगर आप लोग इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो उसके लिए आप यहाँ पे एक फॉर्म आएगा, यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं इंटरव्यू के लिए। यहाँ पे आप सब कुछ लिख दें, यहाँ पे देख सकते हैं आप क्या क्या लिखना है यहाँ पे। इस फॉर्म को अभी बता दूँगा थोड़ी देर में कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं इस फॉर्म को। इस फॉर्म को आपको लिख के यहाँ पे, ठीक है, और इसके साथ जो भी डॉक्यूमेंट लगने हैं आपको अभी थोड़ी देर में बता देंगे कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट जो जो लगेगा, ठीक है, और संलग्न की संख्या बता देंगे यहाँ पे। तो इस फॉर्म को फिल करना है, और ठीक है, ये बहुत बड़ा है, यहाँ पे आप पूरा फिल कर सकते हैं अच्छे से पढ़ के, और इसको कैसे डाउनलोड करते हैं मैं बता दूँगा आपको। इसको फिल करने के बाद आपको जो डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है वो बता देता हूँ मैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है अभ्यर्थी साक्षात्कार तिथि को निम्नलिखित मूल प्रमाण पत्र उनकी स्व हस्ताक्षरित छाया प्रति अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें। तो यहाँ पर देखिए, एक तो आपको, ठीक है, ओरिजिनल प्रमाण पत्र लेके जाना, और उसके साथ साथ आपको स्व हस्ताक्षर छाया प्रति ले जानी है, मतलब जेरोक्स ले जानी है उसकी। और मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने पर, ठीक है, अभ्यर्थियों का जो साक्षात्कार होगा वो नहीं किया जाएगा ऐसा लिखा है। अब देखिए मूल प्रमाण पत्र कौन कौन से इसमें चाहिए, यहाँ पर देखिए हाई स्कूल अंक तालिका और प्रमाण पत्र दोनों चाहिए यहाँ पे, और इंटर का भी दोनों चाहिए आपके, ठीक है, मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों चाहिए, और स्नातक स्तर पे जितने भी आपके सेमेस्टर वाइज हैं उसकी अंक तालिका, ठीक है, और उपाधि, ठीक है, डिग्री दोनों ही चाहिए यहाँ पे, और प्रास्नातक समस्त, ठीक है, सेमेस्टरों की और अंक तालिका और उपाधि दोनों चाहिए यहाँ पे, और बीएड की अंक तालिका और उपाधि अथवा एलटी डिप्लोमा अगर है तो वो चाहिए यहाँ पे ओरिजिनल। यदि अगर कोई एनओसी, ठीक है ना, कोई यहाँ पे एनओसी लगाना चाहता है, ठीक है ना, अनापत्ति प्रमाण पत्र लगाना चाहता है तो वो भी लगा सकता है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए स्थायी निवास लगाना है आपको, ठीक है, और कैटेगरी वाइज लगाना है यहाँ पे, जिस कोई जो भी हो आपका, ठीक है, एससी एसटी ओबीसी इनको भी सर्टिफिकेट ये लगाने ही पड़ेंगे, और जो भी आपके, ठीक है, यहाँ पे एक्स वाले हैं वो भी लगा सकते हैं, और साथ ही साथ, ठीक है ना, यहाँ पे देखिए यदि अभ्यर्थी के नाम पिता के नाम विभिन्न प्रमाण पत्र में शामिल ना हो तो उक्त के संबंध में शपथ पत्र, अगर माता पिता का नाम वहाँ पे ना हो तो वहाँ पे क्या लगा सकते हैं, एफिडेविट लगा सकते हैं, और साथ ही साथ एक उन्हें नवीनतम अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र के साथ
तहसील में अवश्य रूप से उपलब्ध कराना होगा, यहाँ पे लिखा गया है। और उनके लिए है ये जो यहाँ पे देखिए, राज्य सरकार की सेवाओं हेतु जो अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र 26 फरवरी 2016 से पूर्व हो, उनके लिए है ये। और यदि अभ्यर्थी पूर्व सैनिक है तो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट की छायाप्रति अवश्य लगाना है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए, साक्षात्कार के समय होने से पूर्व वहाँ पे क्या लगा, आपको 80 रुपया लिया जाएगा आरक्षित वर्ग से, ठीक है। और यहाँ पे ठीक है, अनारक्षित से 80 रुपये लिया जाएगा और आरक्षित वर्ग से यहाँ पे 30 रुपये लिया जाएगा, वहाँ पे वो भी नकद जमा किया जाएगा आपका, ठीक है। और साक्षात्कार के समय यहाँ पे आपको पासपोर्ट साइज की जो नवीनतम 2 पासपोर्ट साइज है फ़ोटो अपने साइन की हुई वहाँ पर ले जाना पड़ेगा, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट है, अगर ये डॉक्यूमेंट अगर आप लेके नहीं जाओगे तो आपको साक्षात्कार में बैठने का मौका नहीं मिल जाएगा, आपको वहाँ पर रिजेक्ट किया जाएगा। इसलिए जितने भी ये अभी डॉक्यूमेंट है बना लें, क्योंकि 16 मई का इसका इंटरव्यू है, ठीक है, इसको आप बना सकते हैं। तो इसका जो लिंक है यहाँ पे देख देते हैं कैसे यहाँ पे वेबसाइट में कैसे जाके आप प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे UKSSC यहाँ पे देख सकते हैं, UKPCS.gov.in में जा सकते हैं यहाँ पे, और वहाँ से आप, तो जैसे कि हम इसकी वेबसाइट ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं, और यहाँ से जाने के बाद आपको यहाँ पे लिखा है यहाँ पे साक्षात्कार विज्ञप्ति हेतु क्लिक करें, और साक्षात्कार कार्यक्रम हेतु क्लिक करें, और साक्षात्कार ज्ञापन हेतु क्लिक करें, और साक्षात्कार पत्र हेतु क्लिक करें, इनमें से कर सकते हैं। और कोई भी जो भी आपको यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं आप इजीली, और वहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही था, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।